हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोडीज़ के नए कंसेप्ट के बारे में। रोडीज़ के नए प्रोमो में अश्नीर ग्रोवर भी देखने को मिले हैं, तो हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो एज अ गैंग लीडर आएंगे या फिर कुछ थोड़े से टेम्प्रेरी टाइम के लिए आएंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करें अश्नीर ग्रोवर की, तो वो इस बार मोस्ट प्रोबेबली एज अ गैंग लीडर आएंगे, क्योंकि वो वहीं पर बैठे हुए दिख रहे हैं जहाँ पर बाकी के गैंग लीडर्स बैठे थे। एंड उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो शार्क टैंक के दूसरे सीजन्स में अब देखने को नहीं मिलेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एज अ गैंग लीडर दिख सकते हैं। एंड अगर शो में चार गैंग लीडर्स होंगे तो शो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देन उसके बाद बात करें शो के कंसेप्ट की, तो इस बार ना उन्होंने काफ़ी अलग कंसेप्ट रखा है। जैसे पहले कोई कंटेस्टेंट सिलेक्ट होता था तो उसे तीन या चार लाइट्स की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कि जितने भी गैंग लीडर्स और इंक्लूडिंग रणविजय सर, उन्हें तीन या चार लाइट्स मिलती थी, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होता था। इस बार क्या होगा ना कि सारे गैंग लीडर्स को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि एंड तक जर्नी में उनके काम आ सकते हैं। उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके वो लोग कंटेस्टेंट्स को खरीदेंगे एंड ताकि वो लोग उनके गैंग में आ जाएं। मतलब कि अगर उन्हें कोई इंसान पसंद आता है तो सारे गैंग लीडर्स अपना अपना अमाउंट लगाएंगे एंड देन जो हाईएस्ट अमाउंट होगा या फिर जहाँ पे कंटेस्टेंट जाना चाहता है वहाँ पे चले जाएगा। लेटर अगर उसका दूसरे राउंड में भी सिलेक्शन हो गया तो फिर वो उसी गैंग लीडर के गैंग में जाएगा। ये कंसेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देन उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलेंगे जो कि पहले जर्नी में काफ़ी कम टाइम के लिए आए हैं या फिर उनका सिलेक्शन होते होते रह गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके नाम आपको बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड ऑल्सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।